हे एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल मेरा नाम है पुनीत और आज स्वागत है आपका सेकेंड वीडियो में जो कि है कैसे आप सिनेमैटिक प्री वेडिंग वीडियो शूट कर सकते हो तो इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने सारा पाइपलाइन समझाया था कि किस तरीके से बेसिकली क्लाइंट से डील करनी है स्टोरी के हिसाब से कैसे स्टोरी बोर्डिंग करनी है किस तरीके से असिस्टेंट कैरी करना है लोकेशन और सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ये जो वीडियो है इट्स मोर अबाउट क्रिएटिव शॉर्ट्स को लेकर के आप कैसे क्रिएटिव शॉर्ट्स जो है वो वीडियो जब आप शूट करते हो सिनेमैटिक फॉर योर प्री वेडिंग तो कैसे एक प्रॉपर स्टोरी की पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो एज एन डीओपी आपका मेन जब आप कंटेंट शूट कर रहे हो तो जब आपका व्यूअर उस कंटेंट को देखेगा तो कैसा उसे जो ना लुक और फील मिलना चाहिए ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है डी जब आप एज एन कैमरा मैन बंदे और कैमरा से कॉन्टेंट शूट करना स्टार्ट करते हो तो डी का माइंड

अगर आपने दो गाने घुसाने हैं तो आपका कंटेंट कभी भी स्टोरी लाइन के हिसाब से नहीं चलेगा बहुत रैंडम सॉर्ट ऑफ वीडियो नजर आता है तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि यार जब भी आप प्री वेडिंग कर रहे हो तो यू शुड हैव प्रॉपर वन सॉन्ग और उसके हिसाब से आपको पूरी स्टोरी बोर्डिंग करनी है ठीक है स्टोरी बोर्डिंग कर ली स्क्रिप्टिंग कर ली दैट्स फाइन अब नाउ हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से सिनेमेटिक शॉर्ट एक डी लेता है स्टोरी को बिल्डअप करने के लिए जब आप एक नेगेटिव स्टोरी लाइन को फॉलो करते हो ठीक है तो सबसे पहली चीज जो जनरली मैं जब कॉन्टेंट शूट करता हूं सबसे पहले तो वी जनरली टेक जो होता है वो स्टेबलिशिंग शॉट स्टेबलिशिंग शॉट इज वन ऑफ दी इंपॉर्टेंट शॉट स्टोरी लाइन को बिल्डअप करने के लिए और जब आपका व्यूअर कॉन्टेंट देखता है तो उसे ये समझ आता है कि बेसिकली जो वीडियो है वो कहां शॉर्ट हो रहा है और किस लोकेशन पे बेसिकली हमारे हमें हमारे कैरेक्टर जो है वो नजर आएंगे तो स्टेबलिशिंग शॉट इज वन ऑफ दी इंपॉर्टेंट शॉट वो जनरली सबसे पहले इन द बिगनिंग ऑफ वीडियो ऐड है सपोज करो अगर आप जयपुर में शूट कर रहे हो किसी लोकेशन में तो हम लोग ड्रोन से जल महल का शॉट लेते हैं या फिर ड्रोन से हम लोग पत्रिका गेट को दिखाते हैं या फिर ड्रोन से हम लोग चंदलई लेक को दिखाते हैं और बोट में हमारे ब्राइड एंड ब्रूम को दिखाते हैं तो इस तरीके से बेसिकली स्टेबिलिशिंग शॉट आई वुड रिकमेंड के वन ऑफ दी रिकमेंडेड शॉट होता है और आप ऑलवेज उसे ऐड करो चाहे आपके पास ड्रोन नहीं है बट आप अपने कैमरा से टिल्ट और पैन करके भी अपनी लोकेशन को रिवील कर सकते हो या कॉन्टेंट और उसे एक स्टेबलिशिंग तौर पर यू नो ऐड कर सकते हो अपने वीडियो में मोस्ट ऑफ दी बड़े फिल्म मेकर्स के अगर आप वीडियो देखोगे मोस्ट ऑफ दी बड़े फिल्म मेकर्स चाहे आप कोई मूवी देख लो या फिर चाहे आप कोई प्री वेडिंग शॉर्ट्स देख लो मैं रिकमेंड करूंगा सन्नी दिमान जी का चैनल तो सन्नी दिमान जी के चैनल पे आप बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट देख सकते हैं बहुत बारी मैंने भी उनके कंटेंट से इंस्पिरेशन लेकर के अपने कंटेंट को शूट किया है तो आप पाओगे कि सबसे पहले जो है वो स्टेब्लिशिंग शॉर्ट सबसे जनरली एड किया जाता है मोस्ट ऑफ दी में लोकेशन को रिवील करने के लिए देन उसके बाद बाकी अदर शॉर्ट्स आते हैं जो कि आपकी स्टोरी को बिल्ड अप करते हैं सीक्वल को बनाते हैं और कॉन्टेंट को एक प्रॉपर स्टोरी के साथ में और सिनेमेटिक लुक में दिखाते हैं जब आपने स्टेबलिशिंग शॉट ले लिया तो उसके बाद जो सेकेंड शॉट्स आते हैं वो जनरली मैं प्रेफर करता हूं टू गो विथ मिड शॉर्ट और इसके अलावा मीडियम क्लोज़अप तो मिड शॉट और मीडियम क्लोज़अप जो है वो बेसिकली आपका जो कैरेक्टर है आपके कंटेंट में आपका ब्राइड एंड ब्रूम है तो मिड शॉट इसलिए लिया रहता है कि जो भी उसने अटायर पहना हुआ है जो भी एक्सप्रेशन आप रिकॉर्ड करना चाहते हो साइमटेनियसली बैकग्राउंड में जो भी आपने प्लेसमेंट दिया है अगर आप कोई हेरिटेज लोकेशन पर शूट कर रहे हो तो हम बेसिकली कोशिश करते हैं कि बैकग्राउंड में हम लोग जो है वो हेरिटेज लोकेशन दिखाएं और अगर आप किसी सिटी में शूट कर रहे हो तो हम जनरली कोशिश करते हैं कि सिटी की चहल पहल जो 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 है 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 वो बैकग्राउंड में दिखाएं तो मीडियम शॉट बेसिकली जो आपका आपके ब्राइड एंड ब्रूम है, उनके जो कपड़ों का अटायर है, वो भी दिखाता साइमटेनियसली बैकग्राउंड में होने वाली एक्टिविटीज को दिखाता है तो वो अगेन स्टोरी लाइन को कनेक्ट करने में और वीडियो को विजुअली आई प्लीजिंग दिखाने में बहुत अच्छा लगता है तो दैट इज समथिंग विच आई जनरली रिकमेंड के सेकंड और थर्ड शॉट जो मैं प्रेफर करता हूं मोस्ट ऑफ द केसेज में मीडियो और को लेता हूं। उसके कुछ होते हैं जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहे हैं उसको लेने के लिए लिए जाते हैं तो क्लोजअप शॉर्ट्स भी आपको बहुत अच्छे जनरली लगते हैं कॉन्टेंट में और स्टोरी लाइन के अंदर वंस अगेन सॉन्ग के साथ में मैचअप करने के लिए जो है वो क्लोजअप शॉट बहुत ज़्यादा काम करते हैं बहुत ज़्यादा काम आते हैं सो so, अगर आप क्लोजअप शॉट लेते हो तो आप ध्यान रखिए कि एक्सप्रेशन दिखने चाहिए लोगों के फेस में आपके बेसिकली कैरेक्टर्स के फेस में ताकि जो है वो वीडियो जब आप सॉन्ग्स के साथ में मैच करो तो आपका वीडियो जो है वो स्टोरी के साथ में जाए गाने के साथ में जाए और बहुत अच्छा आई प्लीजिंग लगे साइमन डेवेसी जब भी आप कॉन्टेंट बना रहे हो ना तो आप हमेशा ये ध्यान रखो कि क्या मैं शूट जो कर रहा हूँ वो एडिट में कैसा नजर आएगा इट समथिंग विच इज़ रियली इम्पॉर्टें जो मोस्ट ऑफ दी केसेस में सिनेमाटोग्राफर मिस करते हैं बिकॉज वो खुद से कंटेंट नहीं एडिट करते वो अपने एडिटर्स को पकड़ा देते हैं और सोचते हैं कि सारी जिम्मेदारी अब एडिटर्स की है ठीक है और इसी वजह से प्रोजेक्ट्स खराब होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेज में आप देखेंगे इसी वजह से प्रोजेक्ट्स खराब होते हैं अगर आपने ठाल लिया है कि आपको प्री वेडिंग शूट करनी है और यू डोंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वुड रिकमेंड के एडिटिंग सीख लो वीडियो एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग स्पेशली सीख लो ठीक है ताकि आप अच्छे कलर्स पुल ऑफ कर सको अपने कॉन्टेंट में अब जैसे मैं सोनी कैमरा यूज करता हूं सेवन एस थ्री एफ एक्स थ्री ए सेवन फोर फॉर माई मोस्ट ऑफ दी कॉन्टेंट तो हम लोग क्या करते हैं एसलॉक टू और एस लॉग थ्री पे शूट करते हैं और उसको बाद में अच्छे से कलर ग्रेड करके एक प्रोफेशनल लुक अपने कंटेंट में देते हैं अब उसके लिए मैंने लट्स भी बनाई हुई है और वो लट्स आप इतने भाग्यशाली हो इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं वो लट्स आप लोगों को दे भी रहा हूँ आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करिएगा मेरा एप्लीकेशन आपको मिलेगा So, जो मेरी लेट्स मैंने बनाई है वो मैंने बहुत ज्यादा यू नो रिसर्च करने के बाद बनाई है ये स्पेशली एस लॉक के लिए बनाई गई है एस लॉक टू एस लॉक थ्री के लिए और ड्रोन के लिए अलग लेट आपको मिल जाएंगी तो उसका प्लान भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको अच्छे कलर्स चाहिए अपने वीडियोज में सिनेमेटिक लुक चाहिए और सिनेमा लाइक -like कलर्स चाहिए तो... जो लट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है उसमें आपको फिल्म लुक साथ साथ में जो है वो मास्टर जो लट्स होते हैं मास्टर प्रीसेट्स होते हैं जो वन क्लिक में आपकी वीडियो को कन्वर्ट कर देते हैं वो आपको आपको डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में में मिल जाएंगे में आपको क्या करना है जाना है मेरी एप्लीकेशन मिलेगी आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है लिंक के थ्रू और वहां पे आपको स्टोर के अंदर जो है वो मेरे लट के प्लान मिल जाएंगे जिनमें से आप कोई भी एक प्लान को ले सकते हैं और अपनी वीडियोज को बहुत सिनेमेटिक दिखा सकते हैं सुनाओ so ये कुछ बेसिक यू नो कैमरा शॉर्ट्स और कैमरा एंगल कैमरा शॉर्ट्स होते हैं जो जनरली यू नो स्टोरी लाइन को बिल्डअप करने के लिए के रहते हैं। ना जब आप गिम्बल करते हो तो, you know, आप तो आपके पास और अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है ओवर दी पीरियड ऑफ शूट जिसमें आप ट्रैकिंग शॉट ले सकते हो सब्जेक्ट के ठीक है सी टाइप शॉट ले सकते हो इसके साथ साथ में डॉली इन डॉली आउट शॉट ले सकते हो जो कि आपके वीडियो में एक सर्टन इंटरेस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करता है और जब भी आप वीडियो शूट कर रहे हो ना आई वुड हाईली रिकमेंड के कंपोजिशन के साथ भी खेलो अच्छी कंपोजिशन भी करो अपने कॉन्टेंट में देखो आपकी वीडियो जो है वो विजुअली बहुत अच्छी और बैलेंस लगने लगती है तो फ्रेम विद इन फ्रेम एक जनरल कंपोजिशन रूल है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं यूज करता हूं ठीक है कोशिश करते हैं हम लोग हमारे सब्जेक्ट को किसी एक खिड़की से दूसरी खिड़की में दिखाएं दरवाजों के बीच में से दिखाएं जो कि विजुअली आईज को बहुत बैलेंस नजर आता है जब एक व्यूअर उस कंटेंट को देखता है इसके साथ साथ में आप लीडिंग लाइन ऑफ रूल है you know, अगर आप उसको भी यूज करेंगे तो आपका बना सकते हो डेफिनेटली ट्राई करना अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो, तो कर लेना अगर अभी तक वीडियो रेडिंग नहीं सीखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में, में मेरी मास्टर क्लास के लिंक मिल रहे हैं जिसमें आप ईडी मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हो कलर रेडिंग कलर सबके बारे में समझ सकते हैं कीप शूटिंग